नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर शशिकांत वर्मा। आज बात करेंगे चने के सत्तू के बारे में। चने का सत्तू एक इतनी चमत्कारिक भोजन के रूप में हमें ईश्वर ने दिया है, जो कि हर उम्र में, हर अवस्था में, ज्यादातर सभी बीमारियों में या स्वस्थ लोगों में उपयोग कराया जा सकता है। किसी भी उम्र के लोगों में, किसी भी बीमारी में या स्वस्थ लोगों में खाया जा सकता है। और इसमें बड़े चमत्कारिक गुण भी हैं। जैसे सबसे चमत्कारिक गुण, यह हाई प्रोटीन डाइट है। ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं कि वेजिटेरियन डाइट में हमें प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि दालें हम उपयोग करते हैं लेकिन उसको पका कर खाना पड़ता है, तो उसका प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाता है, उतना प्रोटीन हमें नहीं मिल पाता। चने का सत्तू ऐसे ही डायरेक्टली हम कंज्यूम करते हैं तो प्रोटीन हमें हाई मिलता है। 100 ग्राम चने के सत्तू में लगभग 20 से 25 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। और अगर हम नॉन वेजिटेरियन सोर्स से प्रोटीन लेते हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं हार्ट की तकलीफों की तरफ भी लेके जाता है। या जो लोग हार्ट डिजीज से पीड़ित हैं वो नॉन वेज नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उससे ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, जो कि सत्तू के सेवन में ऐसा कुछ भी नहीं है। सत्तू में फैट की मात्रा बहुत ही नीचे की तरफ है। लगभग 100 ग्राम सत्तू में 5 से 6 ग्राम फैट पाया जाता है, तो यह हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। और डायबिटीज के लोगों के लिए, जिनको डायबिटीज है, डायबिटिक्स के लिए भी यह चमत्कारिक योग है, वरदान है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही नीचे की तरफ है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका लगभग 28 है, जो कि बहुत नीचे की तरफ है। मतलब यह जब हम खाते हैं तो एकदम से ब्लड में कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन इसका नहीं होता है, एकदम से ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ा देता है। इसलिए ये बहुत शुगर के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा भोजन है। आपके शुगर के रोगी जानते होंगे, जब वो डॉक्टर से बात करते हैं या डाइटिशियन से बात करते हैं तो डॉक्टर और डाइटिशियन उनको सलाह देते हैं कि ऐसे भोजन लें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, तो उनमें से एक सत्तू है। और इसका प्रोटीन इतना हाई है कि डायबिटिक्स को बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि डायबिटिक्स में मसल्स एट्रोफाइड हो जाती हैं, मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, बहुत ढीली पड़ने लगती हैं, तो डॉक्टर्स कई बार उन्हें सप्लीमेंट भी लिखते हैं या उनको सलाह देते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। लेकिन हाई प्रोटीन डाइट उन्हें नॉनवेज सोर्स से मिलनी है, तो उससे उनकी शुगर प्रभावित होती है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, तो सत्तू एक उनके लिए अच्छा विकल्प है। दूसरा, मोटापे से ग्रसित लोग जो वजन कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको भी, उनके लिए भी सत्तू एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसमें फैट बहुत नीचे की तरफ है, आपका फाइबर्स बहुत अच्छी मात्रा में है, दूसरा प्रोटीन बहुत ऊपर की तरफ है। तो जो लोग वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी यही एक तरीका है कि वो अपना फैट का लेवल नीचे लाएं और प्रोटीन का लेवल बढ़ाएं, तो सत्तू उसमें भी काम करता है। दूसरी चीज, जो लोग फैट कम करने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोग वजन कम करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी एक शिकायत रहती है कि मुझे भूख बहुत लगती है, तो सत्तू उसमें भी हेल्प करता है, क्योंकि सत्तू के इंटेक के बाद, उसके लेने के बाद आपको काफी लंबे समय तक फुलनेस की फीलिंग रहती है, मतलब आपको भूख नहीं लगती है, तो वो क्रेविंग जो है भोजन की, खाने की, वो भी सत्तू लेने के बाद कम हो जाती है। तो वजन बढ़े हुए लोगों के लिए भी सत्तू एक वरदान के रूप में है। और हर उम्र में, आपके बढ़ते हुए बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें प्रोटीन चाहिए, इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में है, दूसरा चीज कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छी मात्रा में है, बच्चों को एनर्जी भी चाहिए, तो सत्तू उनके लिए भी वरदान है। तो हर उम्र में, दूसरी बात, बढ़ती उम्र में भी डायबिटिक्स हैं तो भी देना है, कार्डियक पेशेंट हैं तो भी सत्तू का उपयोग करना है, ओबेसिटी है तो भी सत्तू का उपयोग करना है, और ओल्ड एज पेशेंट है, ओल्ड एज में आप हैं, चाहे आप स्वस्थ हैं, लेकिन उस समय ऐसी चीजों की जरूरत होती है जो थोड़ा सा खाने से ही शरीर को काफी मात्रा में प्रोटीन मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, विटामिन्स मिल जाए, फाइबर्स मिल जाए, तो सत्तू उसके लिए भी एक चमत्कारिक योग है। तो हर उम्र में, हर बीमारी में सत्तू का इस्तेमाल करिए। इन्हीं जानकारी के साथ, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को डायबिटिक्स लोगों को शेयर करें, जो लोग दिल की बीमारी से पीड़ित हैं उनको शेयर करें, या जो लोग वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं उनको शेयर करें। धन्यवाद।